नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज में लगने वाले रोग की और उसके उपचार की। तो किसान भाइयों, प्याज की खेती हमारे भारत के विभिन्न हिस्सों में कई राज्यों में होती है और बड़े पैमाने पर होती है। बदलते मौसम और जलवायु को देखते हुए प्याज की खेती करना भी किसानों के लिए एक चुनौती हो गई है। और तापक्रम में वृद्धि और कमी होने की वजह से प्याज में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जैसे पर्पल ब्लॉच, लीफ स्पॉट, या हिंदी भाषा में हम बात करें तो चोंच का सूखना या पत्तियों पर धब्बे बनना। तो प्याज में जैसे ही रोग आते हैं तो किसान भाइयों के फसलों के लागत मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसके लिए किसान भाई अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड्स का उपयोग करें और करते हैं और अन्य तरीके भी अपनाते हैं। फिर भी हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो फसलों की रोगों की ठीक से पहचान नहीं कर पाते हैं कि हमारी फसलों में कौन सा रोग लगा है और उसके लिए क्या उपचार किया जाना चाहिए जिससे कि वो रोग कंट्रोल में हो और हमारी जेब का पैसा व्यर्थ ही चला जाता है। हम प्याज की फसल की बात करें तो ये रोग एक तो जलवायु परिवर्तन और ज़मीन की फंगस की वजह से ही होते हैं। तो उसके लिए तो हमारे किसान भाई फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं और करना भी पड़ता है फसलों को देखते हुए। प्याज की फसल में लगने वाले इन रोगों की अगर आपको अच्छे से पहचान है और आप दवाई का स्प्रे अनुभव से करते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप अपने अनुभव से ही स्प्रे कीजिए, क्योंकि कृषि का सबसे अच्छा डॉक्टर किसान ही होता है, वो हर चीज़ को अच्छे से अनुभव ही करता है। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि इन फसलों की बीमारियों के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है या होना चाहिए। तो आप अच्छी कंपनी के फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए जिसका हमें अच्छा परिणाम मिले और हमें दो बार स्प्रे या तीन बार स्प्रे करने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही बार में हमारा काम हो जाए। ऐसे स्प्रे करेंगे तो हमारा खर्च भी बचेगा, हमारा समय भी बचेगा और हमें उसमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ेगी। सब अपने अपने अनुभव के हिसाब से उनमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अब अनुभव की बात है तो मैं अपने अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो मैं अपने ओर से आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ ताकि, क्योंकि मैं भी अपनी फसलों में उस चीज़ का स्प्रे करता हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। अगर आपकी प्याज में भी ऐसी शिकायत आती है और आपको भी अगर स्प्रे की ज़रूरत आपके प्याज फसलों में लगती है देखते हुए प्याज की फसलों को, तो आप बायोस्टेट का एक प्रोडक्ट है रोको, जिसका टेक्निकल है थाइपोनेट मिथाइल, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। अब उसका अच्छा होने का कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो उसमें जो टेक्निकल होता है थाइपोनेट मिथाइल, वो वहाँ कंपनी जो बायोस्टेट कंपनी है वो जापान के निप्पो सोडा कंपनी से ख़रीदती है, जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र बनाती है जापान की कंपनी है उससे ख़रीदती है। तो वो एक अच्छा और ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझे लगा है, इसलिए मैं आपको इसकी उपयोग की जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो जो मैंने अनुभव किया है मैं उसी की आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, रोको नाम का यह प्रोडक्ट है, बायोस्टेट कंपनी का है। और इसके अलावा भी अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट आपको लगते हैं और आपके फसलों को देखते हुए स्प्रे करने के बाद में अच्छे रिजल्ट दिखते हैं तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थी फंगीसाइड की बात। अब बात करते हैं कि फंगीसाइड का स्प्रे किस माह में करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने हैं जब मौसम ठंडा होता है, उस टाइम पे ज़मीन में फंगस का अटैक ज़्यादा रहता है। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इस माह में हमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फसलों में फंगस का इतना प्रभाव नहीं होता है। उस समय हमारी फसलों में वातावरण गर्म हो जाता है तो उस समय हमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पर हमारे फसलों में थिप्स वगैरह, मच्छर वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार की कुछ अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण और अनुभवी जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।